सो हे गाइस, कैसे यार आप सभी लोग। गाइस आज का ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है यार, बिकॉज गाइस आज राउंड 8 का आखिरी दिन है। और किस तरीके से आज ही के दिन में आप सब कुछ फिनिश कर सकते हो, लाइक आज ही के दिन में आप किस तरीके से PK5 कर सकते हो, आज किस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट में PK5 करना चाहते हैं दोस्तों, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। तो चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटल के बारे में। तो गाइस आज का आपका क्या बैटल चल रहा है, सबसे पहले आप उसको ध्यान से देख लेना। लाइक मेरा अपोनेंट देख सकते हो काफ़ी हद तक मेरे से आगे, उसका 6600 पॉपुलैरिटी है, मेरा भी 2000 पॉपुलैरिटी है। तो अगर आपके पास बैकअप है तब भाई जितना बैकअप है आप उतना यूज़ कर सकते हो फिलहाल तो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास बैकअप नहीं है, मतलब थोड़ा सा कुछ हज़ार का बैकअप है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो गाइस, आज के दिन में आप अपोनेंट से 5-6 हज़ार का लीड बना के रखो। अपोनेंट को हमेशा पीछे रखो, एक्सचेंज करना पड़े जो भी करना पड़े भाई साहब करो, लेकिन अपोनेंट को हमेशा आज के दिन में आप पीछे रखो। अब पीछे रखने के लिए अगर आपके पास पॉपुलैरिटी नहीं है तो किस तरीके से आज के दिन में आप पॉपुलैरिटी ले पाओगे, चलो बात कर लेते हैं। अब गाइस सबसे पहले तो यार आप देख सकते हो यहाँ पर स्नाइपर ट्रेनिंग आज खुला हुआ है, तो स्नाइपर ट्रेनिंग से टोटल 3500 के आसपास पॉपुलैरिटी आप बढ़ा लोगे। देन गाइस यहाँ पे 8v8 मोड तो है ही, 8v8 मोड खेल के गाइस आप 15000 पॉपुलैरिटी टोटल, यार लगभग आप मान के चलो गाइस 15 से 20 हज़ार पॉपुलैरिटी आपका यहाँ से बढ़ने वाला है। और अगर आप ढंग से खेल रहे हो तो इतना से ज़्यादा अपोनेंट बढ़ाया भी नहीं होगा, खैर अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ा लेता है तो आप ऑल से बुला के बंदों को एक्सचेंज कर सकते हो, और इस तरीके से आप आगे हो सकते हो। अब गाइस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अपोनेंट के पास अगर बैकअप हुआ और आपके पास बैकअप नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ऐसे में 2-3 हज़ार का बैकअप तो आपके पास होना ही चाहिए, नहीं होता है तो भाई किसी फ्रेंड को भाई मना लो कि भाई मैं बाद में दे दूंगा तुम्हें, या फिर कुछ भी करके जिसके पास है भाई, मतलब ठीक है एकदम उसको मना के रखो कि लास्ट सेकेंड में बस भेजना ही भेजना, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इन चीज़ों को यार आपको ध्यान में रखना ही होगा गाइस। और किस तरीके से अगर आज आपका 50 पॉइंट या फिर 40 पॉइंट रह रहा है तो 40 पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन 40 पॉइंट लेने के लिए गाइस आपको दिक्कत नहीं है। देखो मैं सिंपल से बता देता हूँ गाइस, अगर आपका 50 पॉइंट रह रहा है ना फिर भी आप आसानी से करने वाले हो इस वाले बैटल के अंदर ना, आपको यार 30 पॉइंट बस लेना है, और 30 पॉइंट लेने के लिए बस 15100 पॉपुलैरिटी आपका और 15100 पॉपुलैरिटी के आसपास ही आपके अपोनेंट का होना चाहिए। इतना में गाइस आपको 30 पॉइंट मिल जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ 2 बैटल है उसमें यार आप 15000 करके अगर हार भी जाते हो फिर भी 10 पॉइंट करके आपको टोटल 20 पॉइंट मिल जाएगा। इस तरीके से 50 पॉइंट के साथ साथ आपका 220 पॉइंट हो जाएगा और आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आप अच्छे से ध्यान में रखना। और फिलहाल गाइस अगला जो बैटल आने वाला वो मैं खेलने वाला हूँ, तो अभी 2 बैटल बचा हुआ है और अभी मेन टाइम है यार रजिस्टर करने का। मैं अपने इस आईडी को अब रजिस्टर कर देता हूँ, बिकॉज गाइस नेक्स्ट वाला बैटल मेरे को इस आईडी में अपने आईडी में खेलना है, ये आईडी जो कि आपके सामने है, और इसमें अभी मैं रजिस्टर कर देता हूँ। 2 बैटल मस्त मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ जिससे मेरा यार रैंक कम रहे और अगला बार अपोनेंट मेरे को कुछ खास ना मिले। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखना गाइस। फालतू का कई लोग तो भाई 4-4, 5-5 आईडी रजिस्टर करके रखे, लाइक उनको लगता है भाई कि वो ऐसा करके 5-6 आईडी में ले लेंगे हेलीकॉप्टर, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता है, सब पे आपको बराबर ध्यान देना होता है। 1-5 के चक्कर में आपका 1 भी आईडी नहीं पहुंचेगा, इससे अच्छा है आप 1 या 2 आईडी पे ध्यान दो और उसको ही आप PK5 या फिर जहां पे ले जाना चाहते हो ले जाओ। अब गाइस उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाना चाहा वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल के वीडियो में यार इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसका और एक्साइटिंग वीडियो में। पीस।